हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड कंटिन्यू हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिनोमियल। टुडे वी आर डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 2.5। कुछ एग्जांपल्स देखिए ऐसे भी बन सकते हैं आपके पास, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। एग्जाम्पल, फैक्टोराइज ए रेस्ट टू पावर 12 वाई रेस्ट टू पावर 4 माइनस ए रेस्ट टू पावर 4 वाई रेस्ट टू पावर 12। तो इसको सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए फैक्टोराइज। तो देखिए कैसे करते हैं इनको सिंप्लीफाई। इसमें सबसे पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या होता है, मिनिमम पावर कॉमन होती है ऑलवेज, रिमेंबर मिनिमम पावर कॉमन। अब देखिए ए ए की जो मैक्सिमम पावर है 12, इस केस में मिनिमम पावर 4, तो हमारे पास कॉमन आएगा इसमें ए 4। और वाई भी देखिए, वाई की मिनिमम पावर यहाँ पर 4 और यहाँ 12 है मैक्सिमम पावर, तो वाई पावर 4, तो ये कॉमन है। अब कॉमन आपको लेना आते ही, जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसी में ही हम डिवाइड करके रिमेनिंग पार्ट्स को ब्रैकेट के अंदर राइट करें। तो ए 12 एंड वाई 4 में डिवाइड किया, ए पावर 4 एंड वाई पावर 4 का। तो देखिए ए 12 में से 4 पावर कम हो जाएगी, जो हम फॉर्मूले यूज करते हैं वो हम यूज करेंगे इसमें, ए पावर ऑफ एम अपॉन ए पावर ऑफ एम। तो ये किसके इक्वल होता है, ए एम माइनस एन, याद रहे आपको ये फॉर्मूले, एक्सपोनेंट फॉर्मूले आपको रिमेंबर होना चाहिए इसको सिंप्लीफाई करके। तो इस केस में देखिए ए 12 एंड वाई 4, जो आपने कॉमन पार्ट लिया ए पावर ऑफ 4 एंड वाई पावर ऑफ 4 का डिवाइड। अब देखिए वाई पावर ऑफ 4 से वाई पावर ऑफ 4 कैंसिल होगी। अब ये जो केस है ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ए 12 माइनस 4, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो ये पावर आएगी हमारे पास ए पावर ऑफ, तो अंदर क्या बचा हमारे पास ए पावर ऑफ माइनस। ऐसे ही आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके राइट करना है, ए पावर ऑफ 4 एंड वाई पावर ऑफ 12 में किसका डिवाइड करना है, ए पावर ऑफ 4 एंड वाई पावर ऑफ 4। अब देखिए ए पावर ऑफ 4 ये कैंसिल हमारे पास वाई 12 एंड वाई 4, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे पावर के अकॉर्डिंग। जब पावर ऊपर आए तो नेगेटिव हो जाती है, इट मीन्स 12 में से 4 माइनस हो जाएगी पावर, तो वाई पावर ऑफ, तो हम इसको राइट करेंगे वाई पावर ऑफ ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए एक्सपोनेंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर के ऊपर पावर हो, इट मीन्स ये वाला जो फॉर्मूला हम यूज करें तो हम इसको एम इंटू एन राइट कर सकते, इट मीन्स 8 को हम राइट कर सकते हैं, जो हमारे पास ये पावर 8 है इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई टू, या फिर ऐसे भी राइट कर सकते हैं पावर 8 के जो ब्रेक किए फैक्टर किए 4 इंटू 2, तो ए स्क्वायर पावर 4 हम ऐसे भी इसको राइट कर सकते हैं। तो ए पावर ऑफ 4 वाई 4 ब्रैकेट, ए को हमने यूज किया 2 और 4 अंदर, और ये ऐसे भी राइट कर सकते हो 4 2 8, ऐसी वाई को, तो आप रिवर्स प्रोसेस भी आप राइट कर सकते हो, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं हम 4 2 8 ही होता है, ऐसे ही वाई को 4 2 8 ब्रैकेट। अब देखिए ऐसे राइट क्यों किया हमने, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी एंड ए माइनस, इसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस केस में वैल्यू ऑफ ए पावर ऑफ 4 एंड वैल्यू ऑफ बी वाई पावर ऑफ 4 एज इट इज राइट करेंगे इसको। इसमें हमने यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास ए पावर ऑफ 4, एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस करो, ये तो एक वन टाइम प्लस एंड वन टाइम माइनस। अगेन इसमें भी फॉर्मूला लग सकते हैं, देखिए जब तक पावर हमारे पास साइन माइनस का है तो पावर्स के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला फर्दर यूज करते जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वापस इसको पावर को ब्रेक करके ऐसे राइट करेंगे जैसे अभी हमने एट को ब्रेक करके राइट किया था, ए पावर ऑफ 4 वाई पावर ऑफ 4 ब्रैकेट, इसको तो एज इट इज राइट करेंगे
अब इसको आप ब्रेक करके राइट कर सकते हो, ए स्क्वायर स्क्वायर फोर को, टू इंटू टू फोर होते हैं, ऐसे वाई को वाई स्क्वायर स्क्वायर टू इंटू टू फोर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन देखिए इसका फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज राइट के इसको, या हमारे पास ए पावर ऑफ फोर वाई पावर ऑफ फोर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वैल्यू ऑफ ए हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब अगेन इसमें फॉर्मूला ये डायरेक्ट यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे एज इट इज राइट किया, ए पावर ऑफ फोर प्लस वाई पावर ऑफ फोर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज राइट किया। अब इसका फॉर्मूला अगेन यूज कर सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, इट मीन्स ए प्लस वाई एंड ए माइनस वाई, दैट इज आंसर। तो ऐसे ऐसे हमारे पास क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि मैक्सिमम पावर के अकॉर्डिंग दें, तो उसको कॉमन लेंगे और उसको फर्दर ब्रेक करते जाएंगे लास्ट तक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। देखिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टेन। देखिए इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के फैक्टर करना तो सीख लिया है, स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, लेकिन ये गिवन क्यूबिक पॉलीनोमियल है, इसके फैक्टर भी हमने एक दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, लेकिन एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी गिवन क्यूबिक पॉलीनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री हमारे पास थ्री है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है थ्री, तो ये कौन सी है क्यूबिक पॉलीनोमियल। इसमें हम कांस्टेंट टर्म देखते हैं प्लस टेन, जो कांस्टेंट हमारे पास टर्म है इसके फैक्टर करने के लिए हमारे पास कांस्टेंट टर्म हमारे पास है कांस्टेंट टर्म टेन, और फैक्टर क्या होंगे इसके टेन के, फैक्टर ऑफ टेन प्लस माइनस वन प्लस माइनस प्लस माइनस फाइव एंड प्लस माइनस टेन। टेन के फैक्टर क्या होंगे, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस फाइव प्लस माइनस टू। क्यूबिक पॉलीनोमियल के केस में कांस्टेंट टर्म आपको देखी जाती है, इसमें प्लस उसके फैक्टर देखे जाएंगे प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस फाइव एंड प्लस माइनस टेन। अब हमें वन बाय वन वैल्यूज पुट करनी होगी, सबसे पहले प्लस का वन इसमें पुट करके देखना होगा कि जीरो के इक्वल किसमें है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, गिवन पॉलीनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर अगर वो जीरो के इक्वल आ जाए, इट मीन्स वो इसका जीरो होगा, तो ये हमें चेक करना होगा, वन पुट करके जीरो आ रही है, वन के बाद अगर वन में पुट करने पर नहीं आ रहा तो माइनस वन पुट करके चेक करना होगा, फिर प्लस टू पुट करके चेक करना होगा, फिर माइनस टू, फिर प्लस फाइव, फिर माइनस फाइव। तो इन केस में किसी भी एक केस में मोस्टली तीन या चार स्टेप में हमारे पास जीरो आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू वन, क्योंकि इनके फैक्टर प्लस माइनस वन है, तो सबसे पहले प्लस का वन पुट करके देंगे। तो हमारे पास गिवन पॉलीनोमियल है एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टेन, इसमें हमने पुट किया x इक्वल टू वन, वन क्यू सिक्स वन स्क्वायर प्लस थ्री वन प्लस टेन। सिंप्लीफाई करते हैं, वन क्यू वन इंटू वन इंटू वन वन ही आता है, माइनस वन स्क्वायर वन, और सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिक्स माइनस सिक्स प्लस थ्री बन जा थ्री प्लस टेन। अब देखिए प्लस वाले साइन, ये प्लस का वन प्लस का थ्री और प्लस का टेन, ये हो गया प्लस का फोर्टीन माइनस सिक्स, फोर्टीन में से सिक्स माइनस करें तो एट, जीरो के इक्वल नहीं है इसका मतलब एक्स इक्वल टू वन इसका फैक्टर नहीं। नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे, माइनस वन पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन पुट करके देखेंगे इसमें, माइनस वन क्यूब माइनस सिक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन प्लस टेन। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस वन क्यूब माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, थ्री टाइम्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन ही आएगा, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस माइनस प्लस, प्लस का वन होगा देखो, माइनस वन का स्क्वायर प्लस का वन प्लस माइनस माइनस सिक्स
प्लस माइनस माइनस थ्री प्लस टेन। इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखिए माइनस के साइन सेम साइन होने पर प्लस होता है उसी साइन के साथ, माइनस वन माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस थ्री माइनस टेन और ये प्लस टेन। अब देखिए प्लस टेन माइनस टेन कैंसिल होते जीरो आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करने पर ये गिवन पॉलीनोमियल क्या है जीरो, इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस वन इसके क्या होगा फैक्टर होगा। इट गिव्स जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस, माइनस वन पर ये क्या दे रहा है जीरो, सो सो दैट एक्स इक्वल टू माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टेन, इसका एक्स इक्वल टू माइनस वन क्या होगा इसके फैक्टर। अब देखिए x इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन को LHS में ट्रांसफर करने पर प्लस का वन हो जाएगा, x प्लस वन आएगा, ट्रांसफर करने पे क्या आएगा x प्लस वन, इसका मतलब है x प्लस वन से अब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर करना इजी होता है। सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म्स के फैक्टर हम ये राइट कर लेंगे, फिर वन बाय वन पुट करेंगे, जिस केस में जीरो आएगा वो उसके फैक्टर होगा, ट्रांसफर करके फिर उसमें डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए x माइनस x इक्वल टू माइनस वन इसका फैक्टर, तो माइनस वन इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस वन, इसका मतलब x प्लस वन से इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड वाले रूल हमें पता है डिक्रीजिंग पावर में ये ऑलरेडी अरेंज है, थ्री टू वन ये जीरो, वेरी वेरी, ये x की पावर वन फिर x की पावर जीरो, ये पहले से अरेंज। आप डिवाइड कैसे करते हैं, इसका स्टार्टिंग टर्म से मतलब है एक्स क्यूब एंड एक्स, एक्स क्यूब में एक्स का डिवाइड करेंगे रफ में, देखिए रफ रफ वर्क के लिए हम यहाँ पर करते हैं, एक्स क्यूब में हम इसका डिवाइड करेंगे एक्स, तो हमारे पास आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस, जनरली आगे वाली डिजिट के साथ प्लस का साइन हम लगाते नहीं है, पॉजिटिव होता है, प्लस एक्स स्क्वायर को हम कोशेंट में राइट करते हैं डिवाइड करने, एक्स क्यूब में एक्स का डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर है, उसको हमने कोशेंट में राइट किया। अब जो हमने कोशेंट में राइट किया एक्स स्क्वायर, उसको x प्लस वन से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे राइट करना है, पर याद रहे पावर्स के अकॉर्डिंग, पावर्स टर्म्स के अकॉर्डिंग टर्म्स आपको राइट करने हैं। x स्क्वायर को x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए रफ में यहाँ पर x प्लस वन को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल आपको पता ही, इसकी पावर टू और इसकी पावर वन, बेस इक्वल पावर प्लस हो जाएगी, वन प्लस टू कितना हो जाएगा थ्री, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज देगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्यूब के नीचे देखिए क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाले टर्म्स को आपको राइट करना है, इजी है। स्टार्टिंग टर्म्स को पहले डिवाइड कर लीजिए, जो आपके टर्म्स आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से और डिविडेंड के नीचे राइट करेंगे। अब इसके बाद अपोजिट साइन करना, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों के साथ सेम साइन है, सेम साइन में प्लस होता है विद माइनस, सिक्स प्लस वन क्या हो जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर और रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास क्या बची हुई है प्लस थ्री एक्स प्लस टेन को एज इट इज राइट कर देंगे। अब उसके बाद जो प्रोसेस है उसको रिपीट ही करना है, स्टार्टिंग टर्म से मतलब है माइनस के सेवन एक्स स्क्वायर में किसका डिवाइड करके देखेंगे हम, माइनस सेवन एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड कर देंगे, वन एक्स से वन एक्स कैंसिल, रिजल्ट क्या आएगा माइनस सेवन एक्स, इसको हम कोसेंट में राइट कर देंगे माइनस सेवन एक्स। अब इसी माइनस सेवन एक्स से एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे राइट करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं रफ में, एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करना है माइनस सेवन एक्स, तो प्लस माइनस माइनस सेवन इसकी पावर x की पावर 1 और इसकी भी पावर 1, एक्सपोनेंट रूल हम लगाएंगे इसमें, बेस इक्वल है तो पावर प्लस हो जाएगी, 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 2, प्लस माइनस माइनस 7 वन जो 7 ये 7, तो ये टर्म्स आई हमारे पास, इसको राइट कर देंगे हम माइनस सेवन एक्स स्क्वायर एंड माइनस सेवन, और याद रहे स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली टर्म, एक्स के नीचे एक्स। अब अपोजिट साइन करते हैं, माइनस का प्लस ये कैंसिल अपोजिट साइन, प्लस सेवन एक्स और प्लस थ्री एक्स एड हो जाएगा टेन एक्स,
प्लस अब वही प्रोसेस को हमको रिपीट करना है, प्लस टेन एक्स में x का डिवाइड करेंगे, प्लस टेन एक्स में किसका डिवाइड करेंगे x, x से x कैंसिल, प्लस का टेन आए, प्लस का टेन को हम कोसाइन में राइट कर देंगे प्लस टेन, अब प्लस के टेन से इसको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे राइट करेंगे, टेन को x से मल्टीप्लाई किया टेन एक्स, ग्राफ में भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो पहले, और टेन को वन से मल्टीप्लाई किया प्लस का क्या, इसके बाद अपोजिट साइन करने होते हैं, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस टेन कैंसिल, क्या बचा आपके पास जीरो। तो हमारे पास कोसाइन क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन। अब इसके फैक्टर करने होंगे हमें, देखिए फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन जो हमारे पास आया उसके हम फैक्टर करेंगे इक्वल टू जीरो करेंगे, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड यूज करेंगे, डिक्रीजिंग पावर के अकॉर्डिंग पहले से अरेंज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, और अपने एक्स स्क्वायर को प्लस टेन से मल्टीप्लाई किया तो यह आया हमारे पास प्लस का टेन एक्स स्क्वायर, और मिडिल टर्म हमारे पास क्या है माइनस सेवन एक्स, इसके टू पार्ट कैसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो टेन एक्स स्क्वायर आना चाहिए होगी प्लस का, और सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने पर माइनस का सेवन एक्स आएगा, तो माइनस सेवन एक्स के टू पार्ट आपने सोचा फाइव एक्स एंड टू एक्स, अब साइन हमें ऐसे यूज करना है कि माइनस का साइन सेवन एक्स रखना चाहिए, तो दोनों के साथ हमने माइनस का साइन लगा क्योंकि सेम साइन में प्लस होता है माइनस में ही ऐड हो जाएगा माइनस का सेवन एक्स। अब देखो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, माइनस के फाइव एक्स को माइनस के टू एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस फाइव टू जो टेन एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस सेवन एक्स के टू पार्ट्स माइनस का फाइव एक्स और माइनस का टू एक्स, आप इसको आगे पीछे राइट कर सकते, माइनस टू एक्स को पहले राइट कर लो या माइनस फाइव फाइव एक्स को बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स सेकेंड पार्ट हमारे माइनस टू एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू में जीरो, आप चाहो तो माइनस टू एक्स को पहले या माइनस फाइव एक्स को बाद में राइट कर लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद टू टू का पेयर बना के फर्स्ट पेयर में कुछ कॉमन आ रहा है एक्स एक्स माइनस, सेकेंड पेयर में से क्या कॉमन आ रहे हैं टू माइनस का टू, जो चीज कॉमन लेते हैं माइनस टू एक्स में माइनस टू का डिवाइड करेंगे, माइनस टू एक्स में माइनस टू का डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल टू से टू कैंसिल, क्या बचा हमारे पास एक्स, प्लस टेन में कॉमन वाली डिजिट हमारे पास माइनस टू है इसका डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस टू फाइव से टेन माइनस का फाइव माइनस इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव कॉमन है दोनों में, अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस टू और ये किसके इक्वल जा रहे हैं जीरो के, दोनों जीरो के इक्वल है इसका मतलब ये सेपरेट सेपरेटली भी जीरो के इक्वल होगा, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, माइनस के फाइव को इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस का फाइव एक्स इक्वल टू फाइव, माइनस के टू को इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस का टू एक्स इक्वल टू, तो हमारे पास एक्स इक्वल टू फाइव एंड एक्स इक्वल टू टू कोसाइन के फैक्टर करने पर, और एक फैक्टर हमारे पास पहले से ही था एक्स इक्वल टू माइनस, तो हमारे पास देखिए क्यूब इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है थ्री, तो इसके थ्री जीरो फाइंड होंगे, एक्स इक्वल टू फाइव एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन जो कि हमने पुट करने पर देखा इससे हम डिवाइड करें, तो हमारे पास थ्री फैक्टर आ गए इसके क्यूबिक के, एक्स इक्वल टू फाइव एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन दैट इज आंसर। तो क्यूबिक के फैक्टर आपको ऐसे करने, ये मेथड होता है इसका।